इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। ये जो कलाकृति का इवेंट हुआ है, इससे कुछ और सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ में हैं, सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो आइए एक एक करके परिचय कराते हैं। सर, मैं माइक आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज़ अपना नाम बताइए, अपना पोर्टफोलियो बताइए और आज का इवेंट कैसा हुआ ये बताइए। जी, मेरा नाम सौरभ सिन्हा है, मैं सिंगर हूँ, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ और म्यूजिक भी डायरेक्ट करता हूँ मैं फिल्मों में। अभी तक मैंने दो फिल्मों में भोजपुरी और एक हिंदी फिल्म में। आज का शो बहुत ही डिसेंट रहा, बहुत ही अच्छा रहा और स्पेशल थैंक्स मैं आशीष जी का करूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया नए नए कलाकारों को और मौका दिया उन्हें गाने का। और एक संगीत ऐसी चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड तो होती है, लेकिन संगीत किसी के दिल में पैदा करना भी बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। जी 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 जी, ये हमारे छोटे भाई समझिए उनको, पंकज करण जी हैं, मेरे ग्रुप के सिंगर हैं, ये मेरे साथ ही रहते हैं इवेंट में, मेरे सारे इवेंट में ये रहते हैं, एज ए सिंगर रहते हैं, मैं इनको अपना छोटा भाई मानता हूँ। और ये जब से मुंबई में आए हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इनको हर जगह लेके जाऊँ और इनके लिए कुछ, जी जी, और इनके लिए कुछ करूँ, क्योंकि किसी को प्रमोट करना अच्छी बात होती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैंने बहुत सारे कलाकारों को प्रमोट ऑलरेडी पहले से भी किया हुआ है। जी जी जी, मैंने एक डायरेक्ट नहीं किया, मैंने भोजपुरी फिल्म में म्यूजिक दिया है ठाकुराइन में, और एक हिंदी फिल्म मेरी अभी ठाकुराइन ठाकुराइन, और एक मेरी हिंदी फिल्म रिलीज हो चुकी है आराध्या, जिसमें मैं लिरिक्स राइटर भी हूँ और उस फिल्म में मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ। और मैंने अपने डायरेक्शन में उदित नारायण जी को कराया है, पमेला जैन जी को कराया है, ममता, इसमें एक्टर सब इसमें नए नए लोग हैं, नए लोग को मौका दिया गया, बाकी सब करेक्टर आर्टिस्ट जो है वो सब मार्केट के हैं। जी, और अभी एक मेरी फिल्म की प्लानिंग अभी चल रही है, जिसके आशा जी के साथ मिलकर चल रही है, तो एक अधूरा सा है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी जल्दी उसको पूरा करें। जी जी, जी मेरा नाम पंकज कुमार कर्ण है और मैं बिहार समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, खास करके मिथिला की भूमि से मैं बिलोंग करता हूँ। जी 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 जी, ये सब ये आप लोगों की, जितने भी हमारे फैंस हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, इनकी दुआ और आशीर्वाद है, और ख़ास करके हमारे संदीप भाई जी का ये सपोर्ट है, और ये हमेशा मुझे मुंबई में प्रमोट करते आ रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज भी इन्होंने मुझे 2 घंटे पहले बोला है कि पंकज जी, मीरा रोड में एक कार्यक्रम है, आपको आना है, और मैं बस इनकी बात पे यहाँ आया हूँ। और बहुत अच्छा लगा यहाँ इस तरह का इवेंट देख करके कि इतने हाई लेवल से लेकर लीजिए। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, और मैं कहना ये चाहता हूँ कि छोटे से छोटे कलाकार हो या बड़े से बड़े कलाकार हो, सभी कलाकार को प्रमोट करने का जो प्लेटफॉर्म है, मैं इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, जहाँ हर कलाकार आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। इनका प्रोग्राम देखा मैं, मुझे तो एक्चुअल मैं मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने को, इनका इनका जो पीच
इनका जो हाई पिच है एक्चुअली जो ओरिजिनल सिंगर आई थिंक यू नो गाए वो सुखविंदर सिंह ने जी नसरत एक्चुअली उनका मुझे थोड़ा ये हो गया बोले सच उनका तो इंतकाल हो गया लेकिन माशाल्लाह इनका जो आवाज़ है बेहतरीन बहुत बेहतरीन है बिल्कुल बिल्कुल मैं तो यही चाहता हूँ अगले जो हमारे जो इवेंट हो गया मैं इनको हम लोग इनको साहब को और इनको मैं जरूर हम लोग बुलाएंगे बहुत धन्यवाद चलिए सर वापस और बातें करेंगे जी बताइए आप जी जब मेरी उम्र 4 साल की थी जब मैं छोटा सा बच्चा था और हमारे बाबूजी हमारे पिताजी बहुत ही अच्छे सिंगर हैं उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान दिया और समस्तीपुर में 4 साल की उम्र में मैंने पहला भजन गाया था पापा जी के साथ और उसके बाद वहीं से हमारी संगीत की जर्नी शुरू हुई और मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हो रहा था उस समय हमारे बाबूजी कहीं भक्ति संगीत का कार्यक्रम कर रहे थे तो ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे पिताजी की मेहनत है जिनकी बदौलत मैं समस्तीपुर से आज बॉम्बे के सफर को तय कर पाया हूँ और आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद है सर करीब 5-7 सेकंड के लिए जी वो ट्यून जो आपने ऊपर गाई है जी जी ओके पर खुदा आसमानी चे जहां सब है मगर तुझे ढूंढे ये नजर तू आया नई खबर साथिया कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना थैंक यू और ये गीत सबसे पहले तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाई थी और उसके बाद ये फिल्म कच्चे धागे में हमारे सुखविंदर सिंह जी ने गाई थी और चूंकि मैं शुरू से अपना आदर्श हमें नुसरत साहब को मानता हूँ फतेह अली खान साहब को और उनके जो भतीजे हैं राहत फतेह अली खान मैं दोनों के गीत को अपना आइडियल मानता हूँ उनके गीत गाता हूँ और बहुत ही मुझे ये लगता है कि नुसरत साहब का अगर एक उनकी पैर की धूल भी मुझे मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया मैं बहुत उनका फैन हूँ और उनके गाने मैं बहुत अच्छी तरीके से गाता हूँ जी नहीं बहुत अंतर है देखिए हमारी तो तुलना उनसे कर ही नहीं सकते हैं इसके लिए तो मैं पहले कह रहा हूँ लेकिन जी 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 बिल्कुल कोई डाउट जी जी लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि मेहनत करके आदमी किसी भी मंजिल को पा सकता है मैंने शुरुआत की है कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी तरह गा सकूँ उनकी तरह गाने निभा सकूँ संगीत गाना और संगीत को निभाना बहुत बड़ी बात है है जी आपने सागर जैसे कि आपने बताया आपके पिताजी का रहते हैं उनसे आपको प्रणाम जी आगे कहां पर आपने कहीं पर ट्रेनिंग प्रॉपर किया कोई जी हमारे गुरु जो है हमारे सबसे पहले हमारे पिताजी ही हैं उन्होंने मुझे सिखाया है उसके बाद मैंने जिस भी व्यक्ति से इतना सा भी सीखा है मैं उसे गुरु मानता हूं चाहे वो कोई भी हो मैंने अजीत कुमार लाभ से 6 महीने साल भर सीखा मैंने ज्योति कुमार त्रियार जी से सीखा मैंने अरुण कुमार त्रियार जी से सीखा और बहुत सारे लोगों ने मुझे सिखाया है तो मैं सबको गुरु मानता हूँ चाहे जिन्होंने मुझे इतना सिखाया या इतना सिखाया मैं सबको गुरु मानता हूँ और सबका सम्मान करता हूँ अभी भी मैं अपने गुरु से मिलता हूँ तो सबसे पहले नतमस्तक होकर पैर छू के प्रणाम करता हूँ
उसके बाद ही अपनी परफॉर्मेंस कर पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैंने आज जो गाना गाया था एक ड्यूट गाना था जो अपना मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तो मेरा फेवरेट गाना है फिल्म वारिस से, तो मेरा जो को पार्टनर है उन्होंने भी मुझे अच्छा साथ दिया गाने में। एक्चुअली मैं मोस्टली ओल्ड सॉन्ग्स गाता हूँ, मैं मुकेश का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन क्यों थोड़ा चेंजेस का वजह से तो मैं आज थोड़ा सोचा कि इस बार थोड़ा अलग से गाए करके, अलग से, तो इसलिए मैंने आज चेंज होकर कोई गाना अलग से गाया मैंने। जी जी जी, नहीं एक्चुअली अभी हमारा जो अभी अगला जो इवेंट होगा शायद अभी अपना ईद का अपना रोजा का वजह से, अब जो ये रोजा चालू होने वाला है ना उसका वजह से हम लोग ब्रेक एक महीना ब्रेक रखेंगे, उसके बाद अप्रैल मई में हमारा सेकंड इवेंट होगा जो थर्ड फोर्थ इवेंट होगा। जी जी, हमारा एक्चुअल अभी एक्चुअल अभी इस वक्त हमारे पास 89 मेंबर्स है हमारे ऑल ओवर ग्रुप देखा तो मेंबर्स आल्सो। या प्रोसीजर कुछ नहीं, बट दे शुड नो सिंगिंग एंड विल टू सिंग ऑन स्टेज। अच्छा। या बस एक फियरलेस जो बोलता है ना स्टेज पे खड़ा के गाना, बस वो एक होना चाहिए, वरना तो ऊपर वाले की दुआ है जो जिसको जैसा आवाज दिया बस वही है और कुछ नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, बाय। मैं कंक्लूड कर देता हूँ, कोई भी नहीं दिख रहा है। तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे कल की, नहीं जाने दीजिए। तो दोस्तों ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा, इन हस्तियों के साथ में मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो इंडिया आजकल टीवी तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, इनसे बातचीत कैसी लगी, और अगर आप इस इवेंट से ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, हम इसका कॉन्टैक्ट कुछ ना कुछ दे देंगे आपको। आपने वीडियो आखिर तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच खबर हर पल।